परमात्मा और अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, मुझे आपके बीच आपके दर्शन करने का मौका मिला और आपको देने आया इस विवाह क्षेत्र के साथ आदरणीय सरणीय चौधरी देवीलाल जी का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जलसा जिला के बाद अगर किसी को अपना दूसरा घर कहा है तो मेवात क्षेत्र को अपना दूसरा घर मानने का कारण है। आज जब मैं चल रहा था उनसे बात कर रहा था उनसे कहा था क्या मेवात के कार्यक्रम में पहले मुझे जाऊंगा फिर फिरोजपुर झिका जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे कहा गुरु की धरती में जब उतरो तो मेरा मुंह के लोगों को सलाम कहना। सलाम आपके बीच में लेकर क्या है साथियों, चुनाव का समय मुझे चार छह जगह मीटिंगें करने जाए आपका ज्यादा वक्त नहीं होगा, आपकी जिम्मेवारी लगाता हूं जो उत्साह जो जोश रात को ग्यारह ग्यारह बारह बारह बजे तक आप लोग जिस तरह से स्वागत करते हो विश्वास भरोसा देते हो आपसे क्या आग्रह करने आया हूं, इस भरोसे को और मजबूत करना उनके मत देना। ये कांग्रेस के लोग आपके बीच के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई, ये चुनाव हार चुके हैं, भाजपा सत्ता से बाहर हो चुकी है, कांग्रेस सत्ता के नजदीक नहीं है। आज गठबंधन 30 से 35 सीटों पे अपने दम पे चुनाव जीतने का काम कर रहा है। एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, दोनों को कुचलना है, दोनों की बातों में नहीं आना, एक तो हिंदू और मुसलमान के बीच में जैर खड़ा करके कहीं सत्ता में शामिल होना चाहता है। हमें जो हिंदू और सिख के हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके कहीं सत्ता की वापसी की तरफ बढ़ना चाहता है, जहां उसको सबक देना है वहीं साथियों कांग्रेस एक अफवाह फैलाएंगे आखिरी दिनों में, ये कहेंगे कि नेहरू और बसपा वाले भाजपा के साथ चले जाएंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक ही बात कहता हूं, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद हुई थी एक षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था, कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद कराई गई, 2013 में सजा हुई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी 14 में सत्ता में आ गई थी। अगर मुझे भाजपा के साथ जाना होता तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा नहीं काटनी पड़ती, फिर पीछे बाहर हो जाए। साथियों अगर आप चाहते हो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा का बदला दिया जाए तो आपके पास मौका है बदला लेने के लिए, लाठी बंदूक उठाने की जरूरत नहीं, अहमद के सामने का 5 तारीख को बटन दबा देना, इन कांग्रेसियों ने सजा के उन्हें सबक मिल जाएगा। इस भाजपा ने हमारे प्रदेश का भाव मिला तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब हुड्डा को केवल एक दिन का सता रही है, अब अखबार के लोग सोशल मीडिया के लोग अब साथियों टेलीविजन में भी खबरें आने लगी,
हमारे विरोधी कहने लगे कि अब की बात सत्ता में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी आएगी। इस बात का डर सता रहा है कि अगर चौधरी अगर जीता मुख्यमंत्री बन गया पहले तो षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश द्वारा 10 साल की कैद आई, अगर जितनी देखाई होगी इंक्वायरी कराएगा और ये 20 साल की कैद कराएगा काम करेगा। और कांग्रेस की बहुत सारी बड़ी बड़ी झूठात के साथ में बोलेंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे कहेंगे, लेकिन याद करो 2008 का वक्त, जब 2008 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, मेवात के नौजवान के पास रोजगार का साधन केवल ड्राइविंग लाइसेंस था, हर तरफ बंदगी हो रही थी, हर तरफ बंदगी की जा रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पे शर्त लगा दी थी कि आपके पास हो, अगर कोई 8 पास नहीं होगा तो उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। विवाद में शिक्षा की कमी थी, हम लोगों ने विरोध किया और 2019 में फिर से सरकार को मजबूर करके कानून बनाया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, केवल उसको विकल्प चलाना चाहिए, सारा समझना चाहिए। कांग्रेस करने लिए जो आपके यहां से उम्मीदवार है, इसने कांग्रेस का राज रखते हुए रूप बताई थी, 2 गांवों की जमीन जो बेहद कीमती जमीन थी, इसने गोलियों के भाव उपाय करा करके साहब इनकी जमीन को इंक्वायर करवा रहे थे, अपनी जमीन छुड़वा ली थी और 9 गांव के लोगों की जमीन इंक्वायर करवाई। मैं उन 9 गांव के लोगों को कहना चाहता हूं, हर एक बार आपके बीच में आया, हर एक बार आपको खुले रूप से समर्थन दिया और कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको उचित मुआवजा देने का काम करेंगे, वही आपके बच्चों को रोजगार। आज फिर वायदा करता हूं, कहता हूं 2 के 9 गांव इकट्ठे हो जाओ और ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है इसके खिलाफ एक एक मत खोल करके एक एक वोट डाल करके इसको सबक सिखाने का काम करो। इन्होंने बहुत रुका है, दोबारा सरकार बनने के बाद आपकी जमीन को पैसा देने का काम करेंगे, जहां जहां के समेत आपको फैसला देंगे, वही साथियों विवाद के लिए अनेक योजनाएं मेरे दिमाग में है। विवाद के अंदर सरकार बनने के बाद मैंने पहले भी कहा था, विवाद के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दराज ना जाना, आपके जहां आपके गांव में अच्छे स्कूल बनाएगा प्रबंध करूंगा, इसलिए आप यूनिवर्सिटी भी बना करके बच्चों को उचित शिक्षा देने का काम करेगा। हर घर के एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे, वही चौधरी देवीलाल की पढ़ाई में 100 रुपया पेंशन 7500 रुपया करके देने का काम होगा। आप जो युवा बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने दूंगा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता ही युवाओं को देने का काम करेगा। वही उसके साथ साथ मेवात के बच्चों को रोजगार मिले, माने सर की तर्ज के ऊपर बड़े उद्योग लगा करके मेवात की तरक्की का रास्ता बनाने का काम करूंगा। नूर से अलवर तक आपकी जो सड़क जो जिसपे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उस सड़क को फोर लाइन बना करके या एक्सीडेंट से लोगों को बचाएंगे, वही उसी को उत्तर करने का काम करेंगे।
भाई उसके साथ साथ साथियों पहले भी पीढ़ी में पड़ी का बंदोबस्त चौधरी ओम प्रकाश चुकाया जी ने आपकी कोटला झील बना करके किया था। उस झील का साइज बढ़ाऊंगा 5,000 एकड़ में करूंगा, हर गांव को स्वच्छ पीने पानी का प्रबंध करके दूंगा, निवास कनाल बनाऊंगा जिससे आपके खेतों की सिंचाई में आपको दिक्कत आए पूरा पानी आए। वही पहले आपको 24 घंटे बिजली दी थी, आगे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। बिजली मुंबई में दूंगा, मीटर पार के मनोहरा क्षेत्र के घर दिखा दूंगा। साथियों जो यहाँ के लोगों की जिससे यहाँ के लोग अपना गुजारा करते थे, जब चुनावा साहब मुख्यमंत्री थे, बाढ़ से अगर कोई पत्थर लेकर के आता था रोक नहीं सकता था उसको, दोबारा सुप्रीम कोर्ट से इजाजत दूंगा और आपको पहाड़ की खुदाई करने का फिर से ऐलान करवाऊंगा। साथियों मैंने पहले भी कहा है आप राज बनाओ, इस मेवात को गुरुग्रामा की तर्ज के ऊपर एक अलग पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाने का काम करेंगे। ऐसा वही उसके साथ साथ हमारा फैसला है हर गरीब आदमी जिसके पास अपनी जमीन नहीं है भूमि है, हम उस गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे, चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत उनका मकान भी बना करके देंगे, मुफ्त शिक्षा दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा और मुफ्त की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम करेंगे। आप जिले की बात कहकर के याद दूंगा, ईसाई आपका अपना बच्चा है, नौजवान है, काम करने की एनर्जी है, हमारी सोच है नौजवान की सरकार में और इस नौजवान को जिता करके भेजो। मैंने हर जिले के अंदर 40 से ज्यादा टिकटे जो है 40 से कम साल की उम्र के नौजवान बच्चों को देने का काम किया है। हम नौजवान सरकार बनाएंगे जो अगले 5 साल आपकी सेवा करने का काम करेंगे। साथियों सरकार बनने के बाद चंडीगढ़ के अंदर मेवा भवन भी बना करके मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिन लाभ एक कर रहा है कांग्रेस की कमियां और खामियों की पोल खोल रही है, भाजपा से लोग नफरत करते हैं, जहां भाजपा से नफरत करते सपा से बात करेंगे वही हमने इस भाई को अपने इस बेटे को हजारों वोटों से जिता देना मंत्री मैं बनाकर के भेजूंगा। मन भोगा घर घर को बहुत सारी बातें करूं, मेरी 4 सभाएं हैं, शाम को हेलीकॉप्टर